welcome to May Favorites. We are doing a monthly favorites after 3 months because for March and April, I was so mentally sick that I was not paying a lot of attention to exactly what products I'm using again and again. But finally, I have a collection of products which were definitely my May favorites. And since May was a full month in lockdown, they are only and only essentials. So this is also like an essentials haul. Where I live, that's Mumbai. Hamari yahan lockdown almost khul chuka hai. Aaj hi se actually, 8 June se hi kaafi saare relaxations aaye hai. My family will also have to start going to office for work. But we're going to keep going in every situation. And let's start with the monthly favorites. The first thing that I decided to stock up was toothpaste. I know, this is the one I've been using for years now. क्योंकि मेरा toothpaste का ये हाल, I think पिछले 1-1.5 महीने से ये ऐसा पिचका हुआ है. And I thought कि अब तो ये कभी ना कभी खत्म होने ही वाला है. And ये पिचके हुए हालत में मुझे महीने से already चल रहा है. And I think ये मुझे आराम से 1 महीना और चल जाएगा. इसमें इतना सारा अभी भी बचा है. Like how do toothpastes work? कभी खत्म ही नहीं होते. बट आई स्टिल बॉट ऐसा बड़ा पैकेट ओनली एंड आई हैव वन मोर विथ मी. आई रियली लाइक दिस वन. इसका टेस्ट भी अच्छा आता है, ब्रेथ भी अच्छी हो जाती है, थोड़ा नेचुरल टाइप से. विच वन डू यू यूज? सेकेंड थिंग विच आई एब्सोल्युटली नीडेड वॉज दिस डिसइंफेक्टेंट लिक्विड बाय डेटॉल. Now, this I purchased in the very very beginning. I think March में लिया होगा ये मैंने. एंड सिर्फ इतना इसलिए खत्म हुआ है बिकॉज ये अब कहीं नहीं मिलता. ग्रीन वर्जन नहीं, सैवलॉन नहीं, ऐसा आड़ा तेड़ा ब्रांड नहीं. तो मैं लिटरली ये ढक्कन का इतू सा लेती हूँ और मेरे बाल्टी में डाल के नहाती हूँ. इतू सा लेती हूँ कपड़े धोने के लिए. तो if you know where I can find more of this, please let me know because I don't know. मुझे बस एक ट्रस्ट है कि if I use this, तो जो सामान है वो जर्म फ्री होने ही वाला है. इसलिए मुझे ये लिक्विड बहुत ज़्यादा पसंद है. प्लस इसकी स्मेल कितनी अच्छी आती है. आई नो लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक द स्मेल बट आई लव द स्मेल ऑफ दिस लिक्विड. बचपन में जब भी बुखार उखार होता था ना, तभी इससे वो स्पंज बात कराते थे और वाइप्स कराते थे. वो सब याद आ जाते हैं यार इसको यूज़ करते वक्त. थर्ड थिंग विदाउट अ डाउट इज हैंड वॉश. तो ये डिब्बी मेरे पास पहले से घर पे थी बट वी परचेज दीज बड़े पिचकू वाले रीफिल्स सो दैट वी कैन. आई नो ये मैच नहीं हो रहा है स्किन केयर वाले नॉर्मल वाले, बट पैंडेमिक में किसको पड़ी है. एज लॉन्ग एज साबुन है हाथ धोने के लिए सब चलता है. लेकिन डेटॉल हैंड वॉशेज आई यूज सिंस अ लॉन्ग टाइम. मैंने बाथ एंड बॉडी वर्क्स के भी यूज़ किए हैं बट उसमें से स्मेल इतनी अच्छी आती है कि द टू हैंड वॉशेज दैट आई हैव फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स आई एम एक्चुअली यूजिंग देम एज बॉडी वॉश. आई नो इट्स वेरी वियर्ड बट इतनी अच्छी स्मेल, मेरे को नहीं समझ आता व्हाई डू माई हैंड्स डिजर्व टू स्मेल सो गुड. अप्रैल के महीने में हैंड वॉश की रिफिल्स, हैंड वॉश की डिब्बियाँ कुछ ही नहीं मिल रहा था. बट आई एम ग्लैड कि थिंग्स आर रनिंग स्मूथ नाउ. ओके, फोर्थ मोस्ट एसेंशियल फॉर मी एज अ पर्सन हु गेट्स पीरियड्स आर सैनिटरी नैपकिन्स. नाउ आई हैव रियली बिन वॉन्टिंग टू शिफ्ट टू रीयूजेबल क्लॉथ वाले सैनिटरी नैपकिन्स बट आई वॉज नॉट इन अ गुड मेंटल स्पेस टू गो आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन राइट नाउ. आई हैव क्राइड सो मेनी डेज because I was confused about what's going to happen, kya ho raha hai, who am I? I had all these sorts of existential questions. So that was not a time when I found it comfortable to move out because I've been using ye wale pads and triple XL specifically since I was in school. तो मुझे बहुत लंबी आदत है ये पैड्स की. तो आई जस्ट स्टक टू दीज इन द लॉकडाउन. ये वाले एक्सेल है तो इसको मैं थर्ड डे या फोर्थ डे पे यूज़ करती हूँ बट जब मुझे फर्स्ट और सेकेंड डे पे भयंकर फ्लो रहता है तब मैं ट्रिपल एक्सेल वाले यूज़ करती हूँ. तो दिस इज समथिंग आई एम वेरी वेरी यूज टू. मैं सोच रही हूँ कि आई एम नॉट गोइंग टू कम्प्लीटली शट डाउन ऑन दीज नैपकिन बिकॉज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस विद वीगनिज्म झट से किसी चीज़ को मुझे बंद नहीं करना. मुझे धीरे धीरे एक बेटर लाइफ स्टाइल अपनाना है. ओके, अगला एसेंशियल इज पैराशूट का ऑयल. नाउ यू नो आई हैव बीन यूजिंग ओनली द रेड अनियन हेयर ऑयल for my hair since a while now but this one was not actually for my hair. ये तो मम्मी बाल में लगाती है but this is multi-purpose. अगर कभी मुझे shoe bite होने वाला होता है I use this. अगर कभी body moisturize करना होता है और moisturizer खत्म हो गया तो I can use this. So इसलिए एक bottle मैंने ले लिया था कि this is just so freaking multi-purpose कि एक तो parachute का bottle चाहिए और घर पे एक भी नहीं था. स्मेल इतना अच्छा है यार. बचपन में आई यूज टू थिंक कि सिंस दिस इज कोकोनट ऑयल, साउथ में जो मस्त वाले बनाना चिप्स मिलते हैं ना जो कोकोनट ऑयल में तले हुए होते हैं, आई यूज टू थिंक कि वो यही ऑयल में तलते हैं. तो व्हेन आई वाज स्मॉल मैं मम्मी के पास से बॉटल लेके जाती थी कि मम्मी मम्मी मुझे. आई ड्रॉप्ड इट, थैंक गॉड बंद है.
हाँ, मैं मम्मी के पास जाती थी और बोलती थी, मम्मी मम्मी मुझे इसके बनाना चिप्स खाने हैं, मुझे सादे तेल के नहीं खाने, बिकॉज आई लव द टेस्ट ऑफ कोकोनट ऑयल बनाना चिप्स. सुपर. ओके, नेक्स्ट वॉज पाउडर, बिकॉज काफ़ी गर्मी थी मार्च और अप्रैल में एंड मुझे दाने निकल ही आते हैं ऑन माई बैक स्पेशली. यूजली आई लाइक टू अप्लाई नाइसिल, बट नाइसिल कहीं नहीं था, कोई भी प्रिकली हीट पाउडर नहीं मिल रहा था. तो आई डिसाइडेड टू गेट वॉट एवर पाउडर वॉज अवेलेबल. आई डेंट रियलाइज हाउ एसेंशियल पाउडर इज अंटिल there was no powder at home. But I actually use this with another product which is rose water. So rose water mein ek badi cooling effect hoti hai. I got the Dabur one. तो रोज वाटर में बड़ी कूलिंग इफेक्ट होती है, इसलिए मुझे रोज वाटर में पाउडर मिक्स करके उसका एक पेस्ट बनाना अच्छा लगता है एंड देन जहाँ पे भी घमोरिया हो रही है ना वहाँ पे लगाना अच्छा लगता है. तो इट रिड्यूसेस द घमोरिया ऑल्सो एंड इतना ठंडक ठंडक फील होता है ना यार. इट्स जस्ट अनोइंग कि बैक पे मैं खुद से नहीं लगा सकती, तो मैं अभी भी 21 साल की होने के बाद भी मेरी मम्मी को आवाज़ देती हूँ कि मम्मी मेरे को आपका हेल्प चाहिए. बट इट्स ओके, कितने भी बड़े हो जाए, होते तो हम हमारे पेरेंट्स के बच्चे ही है. तो दिस डुओ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू लिव समवेयर विच इज हॉट. आप घमोरिया के लिए क्या करते हो? वॉट वॉज योर घरगत्तू जुगाड़ फॉर घमोरिया? बिकॉज आई डाउट यार कहीं पे भी प्रिकली हीट पाउडर अवेलेबल होगा. एंड द लास्ट थिंग विच इज नॉट रियली एन एसेंशियल, इसलिए आई एम शोइंग इट टू यू इन द लास्ट एंड आई गॉट इट ऑल्सो लास्ट, इज माई रेगुलर हेयर मास्क. इस पे बाल है, लुक एट. It's completely empty. तो लॉकडाउन के दौरान ही मैं इतू सा यूज कर रही थी कि खत्म हो जाएगा. आई डू हैव अ कपल अदर हेयर मास्क फ्रॉम अदर ब्रांड्स जो मैं ट्राई कर रही थी टू शेयर अ रिव्यू विथ यू, बट आई वॉज मिसिंग माई ओजी हेयर मास्क. फाइनली वेन इट वॉज ओके टू ऑर्डर नॉन एसेंशियल थिंग्स, आई गॉट टू बॉटल्स ऑफ दिस बिकॉज आई डोंट वॉन्ट दिस टू गेट ओवर एनी टाइम सून. ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल हैव बिन वॉन्टिंग टू फॉलो माई हेयर केयर रूटीन, उसके ऊपर मैं पूरा डिटेल में वीडियो बनाने वाली हूँ बिकॉज आई नीड टू कन्वे दिस दैट इट इज नॉट एन ईजी हेयर केयर रूटीन फॉर द फर्स्ट 6 to 8 months. फर्स्ट 6 to 8 months में आपको डैंड्रफ हो सकता है, आपको तकलीफें हो सकती है बिकॉज सडनली अगर आप एक केमिकल चीज से एक रिलेटिवली नेचुरल चीज पे जाओगे तो योर बॉडी टेक्स टाइम टू अडैप्ट एंड दैट्स व्हाई योर स्कैल्प डज गेट अ लिटिल वियर्ड एंड यू विल टेक टाइम टू सी पॉजिटिव रिजल्ट्स. एंड व्हिच वेज, वो तो मैं वही वीडियो में बताऊंगी, बट आई एम पर्सनली ओके विद इट बिकॉज आई लव इट. तो ये था मेरा एसेंशियल्स हॉल. लेट मी नो व्हाट आर योर एसेंशियल्स जो मैंने ये वीडियो में नहीं दिखा, बिकॉज दैट वे आई कैन लर्न समथिंग न्यू, आई कैन एड समथिंग न्यू टू माई रूटीन. ऑल्सो बर्थडे मंथ आई डिडंट रियली फील लाइक getting happy about it because there's so much going on outside. But I remembered my own saying only ki just because किसी और को paralysis हुआ है doesn't mean कि आप अपने fracture को कम समझे. It's okay to live your life your own way. बस किसी और के बारे में कभी बुरा नहीं बोलना है, कभी comment नहीं करना है. तो I'm happy that it's my birthday month. My birthday is on the 26th of this month and मेरी mom का birthday है 20th June. So her birthday is coming in just 12 days and mine is in 18 days. Very excited for this month. If you enjoyed watching this video, you know you've got to give it a thumbs up. And if you didn't enjoy watching this video, thumbs down button bhi hai yaar. Just give me your honest opinion. If you enjoy watching my videos usually, then subscribe to the channel because every time I post a video, you will get a notification if you hit the bell icon. Ye pura bell icon ka na mujhe kafi ajeeb lagta hai, but if you want notifications, you have to hit that tiny tiny bell. I will see you in a brand new video very very soon. Until then, goodbye. Also, I know what you're thinking, कि हेली तुम इतना तैयार हुए हो वो भी लॉकडाउन में. What's going on with you? No, it's just that I am trying to just get creative. मुझे पेंटिंग पसंद है, but since I'm not doing painting, I thought कि ठीक है मेकअप के जरिए ही पेंटिंग कर लेते हैं. तो I'm trying different looks. This is a very basic one, I know, but I'm trying. Hope you like this look. Also, I just saw the screen upar ki this hair, this thing has been in the whole video and I'm not going to reshoot it. What is this hairstyle? What is it? Bye.